नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम खेल ग्रहों का। मैं हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि पर 2019 के राशिफल में हेल्थ प्रॉब्लम क्या रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेक्ट क्या रहेंगे। तो सबसे पहले कि जो बृहस्पति है, सबसे ज़्यादा जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला ग्रह है वह है आपकी लाइफ में बृहस्पति। और बृहस्पति राशि से सिक्स हाउस में चल रहे हैं, अर्थात रोग के घर में ही बृहस्पति चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो बृहस्पति कौन सा रोग देख, तो सिक्स हाउस में बृहस्पति आपको क्या देंगे, तो सबसे बड़ा रोग वो देंगे कर्ज का, क्योंकि फाइनेंस के देवता, फाइनेंशियल लॉर्ड भी बृहस्पति है। बृहस्पति जब भी पीड़ित होंगे, बृहस्पति जब भी वीक होंगे, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड सेक्रीफाइस दे देंगे, प्रॉब्लम दे देंगे। दूसरा क्या देंगे कि बृहस्पति खाने को पचने वाली, जिसको डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। बृहस्पति आपको डायबिटीज़ दे सकता है, बृहस्पति किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, और बृहस्पति आपको एंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम देने का काम करता है। सेवंथ हाउस में आपके शनि हैं, 24 जनवरी 2020 तक निरंतर शनि सेवंथ हाउस में रहेंगे। शनि की दृष्टि कुंडली में आपके भाग्य स्थान पर है, कुंडली में लग्न पर है अर्थात राशि पर है, और फिर आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस पर है। तो जिसे लग्न कहा जाता है, जिसे राशि कहा जाता है, सबसे पहले वो सर पर चोट देने का काम, या सब कन्फ्यूज़न करने का काम, इल्यूजन देने का काम, जिसको मति भ्रम बोलते हैं, दिशा भ्रम बोलते हैं, वह देने का काम शनि करता है जब वो बुध को देखता है या चंद्रमा को देखता है। अब आपकी राशि का अधिपति ही बुध है, आपकी राशि का लॉर्ड ही बुध है, मरकरी है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ज्वाइं बुध पीड़ित होंगे, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, आपको कोई स्किन रैसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको वाइट स्पॉट्स होने लगेंगे, साथ साथ में जो थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, गले में खराश है, इचिंग है, वो प्रॉब्लम आपको बुध, जो आपकी राशि अधिपति हैं, राशि के लॉर्ड हैं बुध, वो जब पीड़ित होंगे शनि से, तो ये प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। अब यही शनि कुंडली में फोर्थ हाउस को भी देखते हैं। फोर्थ हाउस माता का है, फोर्थ हाउस वाहन का है, फोर्थ हाउस भूमि और भवन का भी है, और फोर्थ हाउस आपकी लाइफ में सुख का है। सुख का मतलब होता है पर्सनल लाइफ। सारे दिन मेहनत करके व्यक्ति अपने घर में क्यों आता है, सुख की तलाश में। तो जो ही बृहस्पति सिक्स्थ हाउस से निकलेंगे, अर्थात 5 नवंबर 2019 को यहाँ से निकल करके बृहस्पति चेंज होंगे, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली, आपकी लाइफ में हेल्थ वाइज, ये सारी चीज़ों से इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। बृहस्पति स्पेशली एंजाइम्स को सबसे ज़्यादा रोल करते हैं, सबसे ज़्यादा गवर्न करते हैं। तो बृहस्पति जब तक वीक हैं, तब तक आप हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को जो भी पीले फल हैं वो दान करने का नियम बना लीजिए, और यदि कोई पूजा पाठ कर सकते हैं तो आपको रोजाना देवी कवच का पाठ करना चाहिए। 2019 में आपको पेट की गड़बड़ या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, साथ में आपको थ्रोट इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और स्किन रैशेज, जिसको आप दाद बोलते हैं, जिसको आप वाइट स्पॉट्स बोलते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब जो स्पेसिफिक टाइम जोन है जिसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको आपने नोट करके रखना है, ताकि आप उस समय का बहुत सावधानी से देखभाल करके उस समय को पार कर पाएँ। 22 नवंबर से 25 दिसंबर 19 तक ये टाइम पीरियड रहने वाला है। इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा सोच समझ के पार करना है, अन्यथा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम कहीं अधिक बढ़ सकती है। वर्ष के अंत आते आते काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा हेल्थ प्रॉब्लम में, और घर वालों की हेल्थ में भी, स्पेसिफिक आपकी माताजी की हेल्थ को लेकर के, पिताजी की हेल्थ को लेकर, जो पेरेंट्स हैं घर में, जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी हेल्थ को ज़्यादा आपने कंट्रोल करना है, ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपको भी अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है। आप कोई इनको एक्सरसाइज का नियम बना लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हेल्थ सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आज बस इतना ही, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।